व्यूअर्स मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पासपोर्ट अपॉइंटमेंट के दिन पे आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाएं हम, तो उनके लिए मेरा सिर्फ एक ही जवाब है कि अब वो जमाने गए जब आपको पासपोर्ट अपॉइंटमेंट के लिए अपना आधार कार्ड तो ले जाना था ही, लेकिन भाई साथ ही साथ ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट, न जाने 10th की मार्कशीट एंड ऑल दैट क्या क्या ले जाना पड़ता था। अब आपको कुछ नहीं लेना, सिर्फ आपको पता है क्या ले जाना है, 10th की मार्कशीट रखी है आप अपने पास, पासपोर्ट साइज फोटो रखी है अपने पास और आधार कार्ड की फोटो कॉपी रखी है अपने पास। इतना ले जाओगे आप, आपका काम हो जाएगा। आपको सिर्फ 10th की मार्कशीट चाहिए, इवन 12th की भी नहीं चाहिए, पता है। तो लोग बोलते हैं ना जो कि बहुत सारी दिक्कतें और क्या क्या ना जाने क्या, बस आप इतना वेरीफाई करा लीजिए। साथ ही साथ वहां पे आपको ए चैम्बर, बी चैम्बर, सी चैम्बर, तीन डिपार्टमेंट से गुजरना होता है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, डॉक्यूमेंट्स में हर चीज सेम लिखी होनी चाहिए, दैट्स इट। एंड दो हफ्ते के बाद पुलिस वेरिफिकेशन, जिस कोतवाली का आपने एड्रेस दिया होगा उस कोतवाली में आपका पुलिस आपको बुलाएगी, वहां पे आपका पूरा डॉक्यूमेंट चेक करेगी, रियल आपके डॉक्यूमेंट्स आपको वहां भी ले जाने हैं, जितने भी आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपने बताया है अपना उधर, आपको सारे वहां पे मेंशन करने दिखाने पुलिस को, और आपका पासपोर्ट दो हफ्ते में आपके हाथ में होगा। भाई साहब मेरे जैसा है ना वैसा, तो यस, तो आपको सिर्फ 10th की मार्कशीट, रिमेंबर 10th की मार्कशीट और 12th की भी रख लीजिए, ठीक है, एंड देन आधार कार्ड की फोटोकॉपी एंड पासपोर्ट साइज फोटो, दैट्स इट। ये तीन चीजें काफी हैं, ओके, गो अहेड।